बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त हमें मिल रही है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स का एक से दूसरे जिले में तबादले से जुड़ा ये मामला है और उसी से जुड़ी ये खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया। बच्चे की बीमारी के आधार पर भी महिला टीचर्स को मिल सकता है तबादले का लाभ। बच्चे के लिए माँ की देखभाल जरूरी है तो एक से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकता है। ये वो ग्राउंड्स हैं जिस पर फीमेल टीचर्स ट्रांसफर अप्लाई कर सकती हैं। अभी तक सिर्फ पति या पत्नी की बीमारी के आधार पर ही टीचर्स को तबादले में वरीयता मिलती थी, लेकिन अब बच्चों का रीजन भी देकर वो तबादले में वरीयता ले सकती हैं। ग्रेटर नोएडा में मेस का खाना बनाने के दौरान 3 सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हो गया। सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। धमाके के लाइव वीडियो की आवाज सुनने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलेंडर फटने के दौरान अफरा तफरी मच गई। मेस में भीषण आग लग गई। टोल कर्मचारियों का खाना इस मेस में बनता है, लेकिन अचानक यहां सिलेंडर फटे और आग लग गई। आसपास लोगों में भगदड़ मच गई। दादरी पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू लगातार जारी है। दादरी थाना क्षेत्र के VIP चौक के पास की घटना है। आसपास के मकानों को भी एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया है। अकबरपुर राजकरण जी के आवास पर गैस सिलेंडर